हेल्थ इज वेल्थ। जब आपके साथ आयुर्वेद है तो घबराना क्यों? आज आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज बिना साइड इफेक्ट के होता है, तो निराश ना हो, हमारे पास आए और अपना इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से करवाएं। जैसे स्त्रियों में ल्यूकोरिया, स्तनों का छोटापन या ढीलापन, या गुप्तांग का ढीलापन, या सेक्स इच्छा की कमी होना, पुरुषों के रोग जैसे बचपन में की गई गलतियाँ, पेशाब में धात का गिरना, रात को सोते समय स्वप्न दोष का होना, शुक्राणुओं का कम या ना होना, नामर्ती, ढीलापन, इंद्री का छोटापन या टेढ़ापन, समय का कम लगना, इन सभी बीमारियों का इलाज हमारे पास आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। आप हमारे दिए गए पते पर मिल सकते हैं या फिर हमारे दिए गए फोन नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं। आप हमसे यह दवाइयाँ घर बैठे भी अपने पते पर मंगवा सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोवी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ आपके चहेते शो में जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, हमारी हेल्थ तभी स्वस्थ हो सकती है जब हम अपनी जिंदगी में स्वस्थ हैं, रुष्ट पुष्ट हैं। तो दोस्तों, ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो कि हमारी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि हस्बैंड का मेल, जो मेल पेशेंट होते हैं उनका लिंग का ढीलापन, पतलापन, वीर्य का कम बनना या फिर पतला होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें खुद को नहीं पता चलती हैं, तो लेकिन वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। इसी तरह अगर हम लेडीज में देखें तो उनमें जो प्रॉब्लम सबसे मेन पाई जाती है वो है ल्यूकोरिया की कमी, इच्छा, जो उनकी सेक्सुअल इच्छा है वो उसका जल्द मर जाना, उसका इच्छा, सेक्सुअल इच्छा का ना होना, या फिर योनि में प्रसव के बाद या फिर ज्यादा सेक्स करने की वजह से योनि का ढीलापन, खुलापन होना। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों के इलाज लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्स स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा के डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी। डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी, आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो मास्टरबेशन है, जो हस्तमैथुन है, ये एक्चुअल में है क्या? तो इसके बारे में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये जो मास्टरबेशन है, इसी को हम बचपन की गलतियां जी या हस्तमैथुन भी कह सकते हैं। इसका क्या होता है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, कच्ची उम्र के हैं, 14-15-16 तक के, तो वो आज की जिंदगी या आज की भागम दौड़ के कारण नशे में पड़ जाते हैं, या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर वीडियो पोर्न फिल्में और इंटरनेट पे ज़्यादा वो जाते हैं, तो वो या तो अकेले या संगत में जी, गलत सोसाइटी में या अकेले भी इस लाइन में पड़ जाते हैं। तो उनको जो है, मतलब आगे आने के बाद या ये कह लो मैरिज लाइफ में आने के बाद दिक्कत आती है। जैसे बच्चे जो है वो नहीं पैदा कर पाते पेरेंट, उसके जो शुक्राणु हैं वो कम होते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन है आपके पास? जी, हमारा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो कि देसी जड़ी बूटियों और भस्मों से तैयार किए हुए गोली कैप्सूल हैं, इनसे जो है हम शुक्राणु की संख्या, उनकी एक्टिव परसेंटेज और जो एक्टिव है उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ओके। तो जैसे ये कह सकते हैं हम कि स्पर्म तो एक ही काम आएगा जी, लेकिन अगर उसमें एक्टिविटी पूरी है तो वो काम करेगा। तो जो हमारा ट्रीटमेंट है उससे संख्या भी बढ़ती है, एक्टिव की परसेंटेज भी बढ़ती है और जो एक्टिव है उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे वो जो है मतलब जल्दी ही बच्चा पैदा करने लायक हो जाता है। तो मतलब ऐसे ही लेडीज में भी शुक्राणुओं की कोई कमी होती है जिसकी वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं? लेडीज में शुक्राणु नहीं होते जी, उनके अंदर क्या होता है, कुछ और प्रॉब्लम जो होती है, जैसे ट्यूब रुक गई या अंदर सूजन हो गई या फिर अंदर कई बार पता नहीं चलता, और पता भी कैसे चलेगा क्योंकि बीमारी ऐसी है, अंदर बच्चादानी में उनको टीबी हो जाती है। बच्चादानी में टीबी हो जाती है? बच्चादानी में टीबी, एक तो नॉर्मल टीबी होती है, बच्चादानी में भी टीबी हो जाती है? टीबी हर पार्ट की अलग अलग होती है। ओके। तो उनकी बच्चादानी में टीबी के लक्षण हो जाते हैं। ओके। तो उस वजह से फिर वो
माँ बनने लायक नहीं रहती। कि लेडीज में काफी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि वो बताते हुए शर्माती हैं, जैसे कि लकोरिया होना और उनकी जो योनि है उसका ढीलापन, क्योंकि प्रसव के बाद या बच्चा पैदा जब वो हो जाता है तो उसकी वजह से ढीलापन आ जाता है, थोड़ी वो लूज हो जाती है, जो कि लेडीज नहीं बता पाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मैरिड लाइफ जो है, सेक्सुअल जो लाइफ है, उसका आनंद नहीं उठा पाती हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदा में क्या क्या इलाज है? हमारी जो जड़ी बूटियां हैं 100% आयुर्वेदिक हैं। ओके। और इनसे जो है लकोरिया या योनि का ढीलापन, जी, इन दोनों बीमारियों का इलाज बहुत सरल तरीके से किया जाता है। और योनि का जो ढीलापन है वो जो सेक्स इच्छा की कमी है उसमें भी एक कारण रहता है। अगर आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेल पेशेंट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, वो अपनी वाइफ को या किसी के साथ ये चीजें डिस्कस करने में घबराते हैं, उनमें उनको ईगो प्रॉब्लम आती है, तो वो जो लेडीज हैं वो भी डॉक्टर साहब को कॉल कर सकती हैं, खुद कॉल कर सकती हैं, तो वो इसका इलाज पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो पेशेंट होते हैं, मतलब आप उनको ये नहीं बता सकते कि आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो मानते नहीं है, क्योंकि एक जो कहते हैं कि पुरुष प्रधान ये एक समाज है, तो उसमें जो मर्द होते हैं वो ये नहीं मानते हैं कि हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम है। तो जो लेडीज हैं वो कॉल कर सकती हैं, या फिर जो मेडिसिन है वो ऐसा है कि मतलब पेशेंट को बिना बताए उसको दिया जा सके? हमारी जो मेडिसिन हैं वो बिना बताए तो नहीं दे सकते जी, लेकिन उसको बता के और उसको एक दो दिन जबरदस्ती खिला के जी, जब उसको मैरिज लाइफ का आनंद मिलेगा जी, तो पेशेंट बल्कि हमें खुद फोन करके दवाई मंगवाएगा। ओके। इतना हमें विश्वास है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारा आजकल का खान पान है, अब मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारी जो यूरिया इसमें यूज होता है, पेस्टिसाइड यूज होता है, तो ये हमारी सेक्सुअल लाइफ पे कितना असर करता है? जो आज का खान पान है जी, इसमें पेस्टिसाइड्स, यूरिया या फिर ये कह लो इतने केमिकल डाले जाते हैं पॉइजनस जी, जैसे कोई स्प्रे करते हैं या और करते हैं, तो वो शरीर के अंदर नुकसान तो देते ही देते हैं जी, वो फिजिकल भी और सेक्सुअल पावर को भी कम करते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आई है, जैसे कि सर दर्द हुआ तो हमने कोई भी मेडिसिन खा ली, ऐसे ही हमें अपनी सेक्सुअल जो इच्छा है उसको तीव्र करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है, तो वो हर कोई पेशेंट जो है वो, या हर कोई वर्ग का जो भी पेशेंट है वो ले सकता है या नहीं ले सकता, या फिर उस उन दवाइयों का कितना असर है, और आयुर्वेद में मतलब उस मतलब ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे कि एक्साइटमेंट बढ़े? मैं अपने हर एपिसोड में पेशेंट को राय देता हूँ कि जो बाजार में मेडिसिन आ रही हैं, या ये कह सकते हैं हम इंग्लिश मेडिसिन आ रही हैं जी, तो वो टेम्परेरी उसके लिए होती हैं जी, एक्साइटमेंट के लिए जी, उनसे टाइम नहीं बढ़ता जी, और खाली एक्साइटमेंट से काम नहीं चलता, मतलब वो ऑर्गेज्म से पहुंचने से पहले प्री इजैकुलेट हो जाता है, क्योंकि वो जो आपके जो ब्लड है वो सारा आई थिंक लिंग में जाके वो हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो स्टैंड होता है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नसों में सप्लाई जाती है ज्यादा जी, जिसकी वजह से नसें तनती हैं, तो वो जो है उस गोली से ये तो इफेक्ट हो जाता है जी, लेकिन टाइम नहीं बढ़ता, जिसके कारण वो फिर सेटिस्फाइड नहीं करता, मतलब जब उसका जो उन्होंने मेडिसिन खाई है, जो उन्होंने नशा लिया है, उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, तो उनकी जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर असर करता है। मतलब एक तो आपने एक इलाज लिया, आपने एक बीमारी का इलाज लिया और उसके साथ साथ 10 बीमारियां और आपने पाल ली, तो आप कोई भी जो मेडिसिन है, मेडिसिन जो भी है वो आप डॉक्टर से पूछ के लें, एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछ के लें, ऐसे आप कभी भी कोई भी मेडिसिन जो है वो ना लें। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप मेडिसिन बनाते हैं ये आपके अपने क्लिनिक में बनती हैं? ये हमारा अपना पूरा संस्थान है जहाँ पे हम जड़ी बूटियों से और भस्मों से दवाइयाँ तैयार करते हैं जी, और पूरा टीम वर्क के तहत काम किया जाता है इसमें। ओके। मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ लाने वाले अलग हैं जी, बाजार से मेडिसिन खरीदनी है वो अलग हैं जी, और बनाने वाले अलग हैं। ओके। काम सारा हमारी देखरेख में किया जाता है। ओके। मतलब कुछ दवाइयाँ हमें छाया में सुखानी पड़ती हैं और कुछ हमें हीट दे के सुखानी पड़ती हैं। ओके। तो वो सारा हमारे पास सिस्टम है और हम ऐसा ही करते हैं। ओके। तो दोस्तों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है कि जो भी जितनी भी मेडिसिन है
वो इनकी देखरेख में तैयार होती हैं। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिसिन बाजार से लाई जाती है, जैसे कि मार्केट से आ रही है, पैकिंग कहीं हो रही है, सेल कहीं हो रही है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इनकी ही देखरेख में, इनके जो जो इनकी टीम है उनकी देखरेख में सारी बनाई जाती हैं। तो आप जो भी पेशेंट ये शो देख रहे हैं, वो कृपया, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो इश्तिहार दिया है, या फिर कोई आपने न्यूज़पेपर में देख लिया, उसको टीवी में देख लिया, ऐसे आप मेडिसिन ना लें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हर एक मेडिसिन हर किसी इंसान के लिए नहीं बनी है। किसी को 5 mg की जो मेडिसिन होती है उसकी जरूरत पड़ती है, किसी को कई तरह की मेडिसिन होती है वो उसकी जरूरत पड़ती है। तो आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे नंबरों पे आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। इनका जो क्लिनिक है वो जींद हरियाणा में है, रोहतक रोड पे है, तो आप डॉक्टर साहब को संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जो ड्रिंक करके अपने पार्टनर के पास जाते हैं, सो दैट कि वो शायद, उन्हें ऐसा लगता है कि नशे की जो हालत है उसमें हम ज्यादा एक्साइट हो सकते हैं, ज्यादा आनंद ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उससे हमें नतीजे जो है वो उल्ट मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या सलाह देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेक्स, मेनली सेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर जी आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेनी चाहिए जी, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन ही एक ऐसा साधन है जो इस बीमारी को जड़ से ठीक करता है और टाइम को बढ़ाता है जी। इसमें कोई भी अंग्रेजी दवाई ऐसी नहीं है जो टाइम को बढ़ाए, या हम ये कह सकते हैं जिनको धात की प्रॉब्लम है उसमें एलोपैथिक के अंदर कोई इलाज नहीं है उसका। ओके, तो इसके लिए मैं स्पेशली बार बार ये कहता हूँ पेशेंट को कि इसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लें और अपने विश्वास के डॉक्टर से लें। तो दर्शकों, हमारे डॉक्टर साहब का जो नंबर है वो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इनका आनंद क्लिनिक रोहतक रोड जींद हरियाणा में है। जो इनके आसपास के एरिया के लोग हैं वो इनके क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। जो नहीं इनको संपर्क कर सकते हैं वो उनको पत्र लिख सकते हैं, उनकी जो दवाई है वो घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, सो दैट कि मैं अगले एपिसोड में कुछ और इलाज लेकर आपके सामने आ सकूं। नमस्कार। जब आपके साथ आयुर्वेद है तो घबराना क्यों? आज आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज बिना साइड इफेक्ट के होता है, तो निराश ना हो, हमारे पास आए और अपना इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से करवाएं। जैसे स्त्रियों में ल्यूकोरिया, सनों का छोटापन या ढीलापन, या गुप्तांग का ढीलापन, या सेक्स इच्छा की कमी होना, पुरुषों के रोग जैसे बचपन में की गई गलतियाँ, पेशाब में धात का गिरना, रात को सोते समय स्वप्न दोष का होना, शुक्राणुओं का कम या ना होना, नामर्थी, ढीलापन, इंद्री का छोटापन या टेढ़ापन, समय का कम लगना, इन सभी बीमारियों का इलाज हमारे पास आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। आप हमारे दिए गए पते पर मिल सकते हैं या फिर हमारे दिए गए फोन नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं। आप हमसे यह दवाइयाँ घर बैठे भी अपने पते पर मंगवा सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने मैरिज लाइफ में सेक्स समस्या को लेकर परेशान है। वो अपनी निराश भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी निराश भरी जिंदगी में मैं आशा की किरण लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसने उनकी जिंदगियों को बदल दिया, और वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उनके लिए चमत्कारी सिद्ध हुआ। वैसे तो मार्केट में सेक्स समस्या से लड़ने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जिसने उनकी जिंदगियों को बदल दिया, और वो आज अपनी जिंदगियों में बहुत खुश हैं, अपनी मैरिज लाइफ को फिर से जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देन है लव 24 की। लव 24 एक ऐसा यूनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, लव 24 कंप्लीट पावरफुल किट आयुर्वेदों के पुरातन ग्रंथों द्वारा प्रमाणित की गई है, जो कि पुरुषों के लिए रामबाण औषधि सिद्ध हुई है। जो पुरुष अपने युवा अवस्था में जीवन का आनंद उठाने में असमर्थ रहे हैं, लव 24 उनकी सारी कमियां, उनकी सारी कमजोरियों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। लव 24
कंप्लीट पावरफुल किट जिसकी कीमत है मात्र 2,999 रुपए। एक साथ दो किट ऑर्डर करने पर 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यही नहीं दोस्तों, इसके साथ 299 रुपए मूल्य का आपको मसाज ऑयल बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जो आपकी कमजोर नसों में जोश भर देगा 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। हमारे दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं।